दो साल आपने इसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया। मैडम आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आपसे भी मैं मिलूंगा, उधर दिखाइएगा, आपसे भी मैं बात करता हूँ। आपका काम क्या है, आपका काम क्या मैडम? हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ टीचर, दूसरी तरफ उन्हीं के स्टूडेंट। स्टूडेंट की होशियारी एक टीचर से आती है, और टीचर आपने आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, और जो सामने वाला स्टूडेंट है वो कहता है संस्कृत पढ़ाते हैं। ये हमारे देश की व्यवस्था और ये शिक्षा है। क्यों बेटा, आपको ये संस्कृत ही पढ़ाते हैं ना? सर जी याद नहीं, सर जी संस्कृत सामाजिक विज्ञान लगता है। संस्कृत याद हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान? सर जी जी अंग्रेजी भी हो सकता है। सर जी अंग्रेजी नहीं पढ़ा। सर जी पर साल सर जी उनको त्रिपाठी सर जी करे तो वो इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा, पिछले साल कौन क्या पढ़ाता था आपको? सर जी त्रिपाठी सर उनको बोलते थे सर जी। ये पिछले साल क्या पढ़ाते थे आपको? सर जी सामाजिक विज्ञान लगता है सर जी, सतवीं पढ़ा सामाजिक। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं तरंगड़ी फोर न्यूज। इस टाइम पर लगभग 2:15 हुए हैं दोपहर के, और आज जो डेट है वो आप लोगों को बता दें कि 18 तारीख है, और डाइस कोड नंबर यहां कार्यालय का लिखा हुआ 2317-0701-02। और मैं इस टाइम पर डोल के विद्यालय में बैठा हूँ। हमारे साथ यहाँ पर छात्र और टीचर एक साथ हैं, जहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पूरे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आपके जो है तो दो लोग यहाँ पर टीचर मौजूद हैं। टीचर और छात्र दोनों मौजूद हैं, और यहाँ पर खाने से ले करके एक एक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। छत तो देख लीजिएगा, कभी भी गिर पड़े क्या पता, और क्रेक है पूरी दीवाले भी। ये हमारी सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी। एक तरफ ये यहाँ पर जो है तो स्टूडेंट हैं, और दूसरी तरफ शिक्षक। इन दोनों के बीच में चर्चा सिर्फ इसको लेकर के हो रही है कि पढ़ाई क्या हो रही। नाम बताइएगा आप। प्रेम कुमार यादव। प्रेम कुमार यादव। यादव, आप कितने साल से पढ़ रहे हैं इस विद्यालय में? सर जी आठ साल। सर जी 8 साल से, मतलब पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये आप कब से जानते हैं इनको, कितने साल से आप ये जो टीचर हैं आपके, कितने साल से? सर जी पर साल से, अगले साल से। मतलब 2 साल पहले से। जी। ये छठवीं में आपको पढ़ा रहे थे? सर जी नहीं, सर जी आठवीं में सर जी स्कूल नहीं लग रही थी सर जी, वहाँ पर लग रही थी थोड़ा बहुत सर जी स्कूल में। क्या पढ़ाते हैं सर जी? सर जी ये पढ़ाते हैं गणित। हाँ। सर जी ये संस्कृत। हाँ। और सर जी आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं? सर जी अब संस्कृत सर जी लगता है पढ़ाते हैं। नहीं पता है कि क्या पढ़ाता है, कभी क्लास में जाते हैं? जी तो सर क्या पढ़ाते हैं? सर जी संस्कृत पर साल सत्यम सर जी संस्कृत पढ़ा रहे थे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, आप कह रहे हैं संस्कृत पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं क्या है टीचर आपको? गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ टीचर, दूसरी तरफ उन्हीं के स्टूडेंट। स्टूडेंट की होशियारी एक टीचर से आती है, और टीचर आपने आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, और जो सामने वाला स्टूडेंट है वो कहता है संस्कृत पढ़ाते हैं। ये हमारे देश की व्यवस्था और ये शिक्षा है। क्यों बेटा, आपको ये संस्कृत ही पढ़ाते हैं ना? सर जी याद नहीं, सर जी संस्कृत सर जी सामाजिक विज्ञान लगता है। संस्कृत याद हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान? सर जी जी अंग्रेजी भी हो सकता है सर जी, अंग्रेजी नहीं पढ़ा। हाँ। सर जी पर साल सर जी उनको त्रिपाठी सर जी करे तो वो इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा, पिछले साल कौन क्या पढ़ाता था आपको? सर जी त्रिपाठी सर उनको बोलते थे सर जी। ये पिछले साल क्या पढ़ाते थे आपको? सर जी सामाजिक विज्ञान लगता है सर जी, सतवीं पढ़ा सामाजिक। कन्फर्म आपको याद नहीं आ पा रहा है? चलिए, अभी आपके ये क्लास में जाते हैं जी, तो क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं आपको? हमारी भर्ती 1 तारीख से हुई है। 1 तारीख से भी कौन से 1 तारीख से सर? यही एक। 3 सालों से आप हैं? नहीं नहीं, हम इस सत्र की बात कर रहे हैं। नहीं, 3 सालों से आप सत्र में हम नहीं थे पूरे। क्षमा करिएगा, खड़े होकर बात करते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे कि यहाँ पर 3 साल से आप पदस्थ हैं। नहीं सुनिए ना बात सर, मैं जो पूछ रहा हूँ पिछले सत्र में फरवरी से आया हूँ।
बिल्कुल, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ, जनता देख रही है, समाज देख रहा है, आपके संकुल पूरी विद्यालय देखेगी, एसडीएम देखेंगे, तहसीलदार देखेंगे, कलेक्टर देखेंगे, हमारा कहना ये है हम आपको बोलने का पूरा टाइम दे रहे हैं। आपने मैं जब आपसे अभी तक पूछा, ऑन कैमरे की बात नहीं ऑफ कैमरे की बात, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा हम 3 साल से यही हैं। जी जी। आपने कहा हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। जी। विद्यालय का एक बच्चा है जो कि लगभग 8 साल से यहीं पढ़ता है। अब वही बताएगा, बता रहा है, कितने साल से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? सर जी 8 साल से। 8 साल से यहीं पढ़ रहा है। 8 साल से अगर ये यहीं पढ़ रहा है, आपने इसको मतलब 6वीं 7वीं और 8वीं आ गया, यानी कि 2 साल आपने इसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया, 2 साल आपने इसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया। मैडम आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आपसे भी मैं मिलूंगा, उधर दिखाइएगा, आपसे भी मैं बात करता हूँ। आपका काम क्या है? आपका काम क्या मैडम? भोजन बनाना। भोजन के बारे में भी आपसे मैं बात करता हूँ, जाइएगा नहीं, रुकिएगा। हाँ मैं आपसे बात कर रहा था, ये बताइए लगभग ये जो बेटा है 2 साल आपने इसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया। पिछले सत्र में मैं फरवरी से आया हूँ। फरवरी से आप पाए? उसके उसके पिछले सत्र में भर्ती ही नहीं हुई थी जी, उसके और पिछले सत्र में भर्ती नहीं हुई। 3 साल आप बता रहे ना कि मैंने यहाँ पे दिया, इसके पहले मैं था। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं था? नहीं थे। कंटिन्यू कहाँ गए थे आप? भर्ती नहीं हुई थी। सैलरी लिया आपने 3 साल? नहीं लिया। कितना लिया आप? अरे हम लोग अतीत में पढ़ाते हैं, हम लोग जब काम में करते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं। आप नहीं थे मतलब? नहीं थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं थे। इसलिए आपका ये जो बच्चा है आपने इसको क्या पढ़ाया आपको भी नहीं पता है? बोलो, देखिए हम स्कूल आते हैं, हम पढ़ाते हैं, ये रेगुलर स्कूल नहीं आता। नाम आपका सर? हमारा नाम है अवनीश पाठक। अवनीश पाठक, कहाँ मकान है सर आपका? हमारा घर पतुलखी में है। पतुलखी में है। आप 3 साल से इसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं बता तो रहे हैं, पिछले पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है बच्चों को, कुछ पता ही नहीं, नहीं आता है। आप किसी बच्चे से आप इसकी चलिए दूसरा बच्चा आप चूज करिएगा इनमें से, आपका सबसे अच्छा फेवरेट फेवरेट नहीं है, नहीं सबसे अच्छा, मैं चलिए नहीं 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 मैं कहता हूँ कि इनमें से कोई भी व्यक्ति को मैं चूज कर रहा हूँ वो गधा है, निकम्मा है, नहीं आता स्कूल। आप एक छात्र इनमें से उठाइए, जो बच्चा इनमें से पढ़ने वाला हो उसको बुलाइए। हमारे लिए सभी बच्चे हैं और सभी बच्चे हैं तो क्या सभी को आप गधा बना देंगे सर? नहीं हम गधा कहाँ बना रहे हैं, ये बता रहे हैं उसको सब्जेक्ट नहीं पता है सर, आप बताइए किस तरीके की पढ़ाई है इस सत्र में? ये 1 तारीख से हम आ रहे हैं, 1 तारीख से एक भी बार स्कूल नहीं आया है। अभी तुम एक भी दिन स्कूल नहीं आए, आज पहले दिन आए हो? सर जी नहीं, सर जी आ रहे थे। कब से आ रहे हो? सर आप इसके क्लास में जाएंगे तब ना देखेंगे सर। अरे पूछिए ना, हम क्लास में जाते ही नहीं। अब मैं कह रहा हूँ एक, ठीक है आप एक 8वीं का छात्र बुलाइए सर, पूछ लीजिए, खड़ी है पूछ लीजिए। 8वीं की हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? नेम कुमारी ज्योति जायसवाल। इधर इधर थोड़ी पास आओ। टीचर का क्या नाम है आपके? ये जो सर हैं क्या नाम है इनका? अवनीश पाठक। अच्छा, ये कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से? इसके पहले भी कभी थे ये? सर इसको देखे नहीं है। कभी देखे ही नहीं आप? जी। 3 साल से कह रहे हैं कि हम यहीं पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में छुट्टियां भी उन्होंने लिया और आप कह रही हैं कि हमने देखा ही नहीं, मतलब? सर हम यहाँ 3 साल से भी पढ़ ही रहे हैं। तो 3 साल से वो भी आए, 3 साल से आप भी, यहाँ 4 दिन हम आज आए, सभी आपने देख लिया, आपको याद रहेगा मैं आया था या नहीं? जी। आपका टीचर डेली आ रहा है, आपको नहीं पता कि टीचर यहाँ आता है कि नहीं आता? चलिए दूसरे टीचर आ रहे हैं, आप आइएगा थोड़ी सी। क्या विद्यालय है और क्या शिक्षक हैं और क्या बच्चे हैं, अच्छी गजब की शिक्षा चल रही है, बताइए। क्या नाम सर आपका? कालिदास साकेत। कालिदास साकेत, कौन सा सर आपका सब्जेक्ट? मैथ सर। मैथ है। एक बच्चा बुलाइए सर इनमें से, आप कहाँ तक पढ़ाते हैं आप? 6 से 8। 6 से 8 बुलाइए इनमें से कोई भी, यही बिटिया ही, इधर आना फिर से। क्या नाम बताया आपने अभी? ज्योति जायसवाल। ज्योति जायसवाल, ये पढ़ाते हैं मैथ आपको? जी। चलिए 19 का पहाड़ा सुनाइए। 19, 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 19
19 में 15 माइनस करोगे कितना आएगा? 4। वो बता रहा है लेकिन आप नहीं बता पा रही। किस क्लास के हो बेटा आप? 8। 8 क्लास के ही हो। ये पढ़ाते हैं आपको? जी। हाँ जी। चलिए यही पढ़ाते हैं ना। एक चीज तो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कम से कम बच्चे आपको पहचानते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं क्लास लेते हैं, ये तो कंफर्म हो रहा है। अभी ज्वाइन हुआ है सर। अभी कब? अगस्त में। 1 अगस्त। अब देखिए सर, 1 अगस्त से ज्वाइन हुआ तो सबको पता है कि हमारे टीचर हैं, लेकिन आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सर इनके हमारे बारे में पूछिए ना इनसे, ये आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ये जी। जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रहे? पूछ लीजिए। अभी तक तो मैं बोल रहा था तो नहीं बोल रहे थे सर। कौन? अभी मैं सबसे पूछ रहा था ना जी कि ये पहचानते हो या नहीं, ये क्लास लेते हैं कि नहीं, क्या पढ़ाया अभी आपने, हाल ही में क्या पढ़ाया इन्होंने?
इन्होंने सामाजिक विज्ञान पढ़ा। सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ाया? सामाजिक विज्ञान में किताबें नहीं मिली है अभी। सामाजिक विज्ञान जी किताब नहीं मिली है अभी। किताबें नहीं अब तक में याद आया जब सर ने बताया कि किताब नहीं है। नहीं है सर किताब नहीं मिली है। नहीं अभी सर ने बताया तब याद आया कि किताब नहीं है। नहीं सर आप बोल। अच्छा ठीक है ये फिर भी क्या गए थे पढ़ाने? क्या गए थे ये? हाँ क्या गए थे ये पढ़ाने? दूसरी टाइम में पीरियड लगाते हैं। ठीक है आज की बात छोड़ो कल क्या पढ़ाया था इन्होंने? कल मैं नहीं आया था। कल ये नहीं आया था ये आई। और कब आए थे? परसों। परसों आप आए थे जी। तो क्या पढ़ाया था इन्होंने? परसों जो आया था मैं पढ़ने के लिए सुधी नहीं है। गजब है। तीसरे टीचर सर आप भी आइएगा। क्या पढ़ाते सर आप? विज्ञान सर। विज्ञान। नाम सर आपका? विकास कुमार प्रजापति। विकास कुमार प्रजापति। क्या बताया आपने? विज्ञान साइंस। इनमें से किस क्लास को पढ़ाते हैं? मिडिल को या हायर को? छः से आठ। वैसे हायर तो है ही नहीं। 6 से 8 आप भी पढ़ाते हैं। 6 से 8। इधर आना तुम। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुमार जायसवाल। ये सर को पहचानते हो? जी सर। क्या नाम है इनका? विकास कुमार रावत। रावत। प्रजापति। प्रजापति जी सर। अच्छा जी। तुम डेली नहीं आते ना सर? आते हैं। पक्का? पक्का। क्या पता है तुमको पढ़ाई लिखाई के बारे में? कुछ पता है? जी सर। क्या पता है बताओ कुछ भी। हम नहीं पूछेंगे तुम अपने से बता डालो कुछ भी बताओ। अभी हाल ही में तुम इसके पहले लंच के पहले तुमने क्या पढ़ा? सर आज सर पाठक सर भर थे। बस? जी सर। पाठक सर गए थे। क्या पढ़ाए पाठक सर? सर हिंदी में। क्या सर? वो गतिविधि भराते थे। गतिविधि? जी सर। और कुछ सर? गतिविधि में क्या पढ़ा तुमने? सर वो अरे सर बादल बोला पानी भरकर वो जो है। अच्छा जी सर। ये गतिविधि में तुमने पढ़ा? जी सर। ये बताना रफ्तार जानते हो? तेज स्पीड जानते हो? जी सर। आठवीं पढ़ते हो ना? हाँ सिक्स क्लास में हो। चलो तब भी स्पीड क्या होती है पता है? रफ्तार किसे कहते हैं पता है? जी सर। स्लो किसे कहते हैं पता है? जी। किसे कहते हैं स्लो? धीम को कहते हैं। धीम को कहते हैं। धीम मतलब क्या? धीम क्या मतलब सर? वो जो कम रहे, जो काफी कम रफ्तार से चले। जी सर। है ना जी। क्या कहेंगे उसे? लो। स्लो। जी सर। क्या कहेंगे? स्लो। स्लो। आप ये बताइए कि टीचर आपको स्लो पढ़ाते हैं या फास्ट पढ़ाते हैं तेज रफ्तार से? सर स्लो। लो। साइंस कोई है यहाँ पे साइंस का छात्र जो है? मतलब आपको भी विज्ञान तो लगती है? जी लगती है ना जी। सर अभी आप विज्ञान में क्या पढ़ा रहे हैं आपको? सूत्र। सूत्र। सूत्र कौन सा सूत्र पढ़ा रहे हैं? जैसे नमक हो गया और वो बालुक हो गया। हाँ। ऐसे चूना का चीनी का। हाँ। ऐसे अल्कोहल का सूत्र ऐसे पढ़ा रहे थे। अच्छा चूना में क्या पाया जाता है आप बताइए? आठवीं के छात्र हैं क्या? छठवीं के हैं? आठवीं के। छठवीं के आप हैं जी। चूने में क्या पाया जाता है? कौन सा होता है उसमें? क्या होता है कुछ बताया आपने अभी तक? आप चूना बता रहे हैं कलर बता रहे हैं। चूने में क्या पाया जाता है? कौन सा पदार्थ उसमें होता है या कौन सा टेस्ट पाया जाता है? खारा होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, होता क्या है उसमें? सोडियम। हाँ सोडियम का। चूने में सोडियम होता है? किसने बताया ये? सर वैसे अंजाद बस बता रहा हूँ अभी याद नहीं किया। अच्छा कभी आपने पढ़ा इसको? जी नहीं। बुक मिली आपको पढ़ने के लिए? अभी नहीं मिली है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी भी सभी देखते हैं, तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 तो टीचर ही हैं। एक बता रहे हैं आप जो है तो विज्ञान के, आप सामाजिक विज्ञान के और एक मैथ के। 3 टीचर हैं, 3 सब्जेक्ट के हैं। अब इसके बाद ये सरकारी विद्यालय है, बाकी के और सब्जेक्ट बच्चे क्या पढ़ेंगे? टीचरों की आवश्यकता है या नहीं? नहीं। है या नहीं? नहीं, नहीं? पढ़ना ही नहीं आपको? सर पढ़ना है। तो कितने टीचर हैं? 3 ही हैं। तो सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 7। तो पढ़ाने वाला कौन है यहाँ पे? कोई है क्या? सर एक मैम आती हैं। क्या पढ़ाती हैं वो? हिंदी। तो एक मैम क्या और जो 4 सब्जेक्ट हैं सभी को पढ़ा देती हैं वो? सर नहीं। तो और कोई? क्या नाम बेटा आपका? अल्टिन नाम है हमारा। अच्छा थोड़ी आप बाहर चली चुकी, हवा तो बिल्कुल नहीं आ रही। ये बताइए कितने टीचर हैं आपके? 3 हैं। हाँ 3 हैं। 3 हैं। 3 टीचरों में क्या बाकी और सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? बाकी और सब सब्जेक्ट एक मैम आती है वही पढ़ाती हैं। तो मैडम 4 सब्जेक्ट पढ़ा देती हैं? नो एक ही पढ़ाती हैं। एक ही पढ़ाती हैं। अब मुझे यहाँ पर जो है प्रभारी यहाँ की जो है वो नहीं है, और आपका कहना है कि यहाँ पे उन्होंने ये सूचना दिया, लेटर दिया और लेटर आपको नहीं मिल पा रहा। जी सर वो शायद अलमारी में छूट गया। तो दिखा दीजिए सर। चाबी कहाँ है उसकी? मैम क्या लेके चली गई हैं?
होगा सर, लेकिन पता नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है उनका। कहाँ? फोन नहीं लग रहा है, होगा सर। नहीं नहीं, तो हम वही देखना चाह रहे हैं, आप दिखाएंगे सर? चाबी लेके तो ना जाएंगी, क्योंकि आपको सूचित उन्होंने किया है, तो चाबी लेके थोड़ी जाएंगी वो। नो मैम, होगा सर, देखते हैं, खोजेंगे। तो दिखाइए, मैं देखना चाहूँगा, सभी देखना चाहेंगे। चाबी इतनी सारी वहाँ पे भी पड़ी हुई है, दिखाइए आप। कब तक दिखाएंगे आप? दिखा दीजिए। हम भी देखना चाहेंगे कि भाई कौन सा आवेदन। दोस्तों, ये सरकारी विद्यालय है, और बाहर चलेंगे हम, थोड़ी सी दिखाएंगे आप लोगों को। और हमारे सीधी जिले के बाहरी तहसील अंतर्गत ये पूरी विद्यालय आती है, और विद्यालय में इस टाइम पर जहाँ हम खड़े हैं, इतने सारे बच्चे हैं। बच्चे यहाँ पर बर्तन धोते हैं खुद, खाने के बाद पूरा प्लेट, एक एक प्लेट धुलते हैं बच्चे, छोटे छोटे ये जो बच्चे हैं यहाँ पे बर्तन धुलते हैं। और बर्तन धुलने के लिए यहाँ पर किसी को रखा भी नहीं गया है, और यहाँ पर रसोई है। रसोई में ये कहा जाता है कि हम यहाँ पर हरी सब्जी बनाते हैं, लेकिन बच्चे उस दिन नहीं आते हैं जिस दिन ये बनता है। बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं मिलता, हमें पता ही नहीं चलता कि कब रसमलाई बन जाती है, और हम यहाँ सब बनने के बाद कौन खा जाता है। क्योंकि उस दिन की अगर बात की जाए, क्यों, कभी हरी सब्जी खाया आपने यहाँ पे? लौकी, टमाटर, भाटा, ऐसा कुछ सब्जी नहीं, नहीं खाया ना? कब बना था कुछ पता है? सब्जी नहीं, नहीं। अब कभी आपने खाया? सर नो। लेकिन वो बनाने वाली है जो बाई, तो वो तो कह रही है कि हमने बनाया है, खाया सर है। सर नो। सर, आलू मटर की सब्जी भर बनती है। कब से खा रहे हो आप आलू मटर? कब से? सर, जब से स्कूल खुली है। ऐसे ही हो रहा है? जी सर, सर 3 साल से। 3 साल से आलू मटर खा रहे हो आप? जी। पक्का? पक्का। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। चलो, शायद तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बताओ। आलू मटर और दाल चावल। आलू मटर और दाल चावल। जी। कभी और कुछ खाया क्या? जी नो। पक्का? यस। डीएम, तहसीलदार क्या करते हैं, क्या जांच पड़ताल होती है, क्या कलेक्टर महोदय जांच पड़ताल करते हैं? अगर ये कोई पत्रकार यहाँ कदम ना रखे तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक एक बच्चे यहाँ पर, बच्चे बेचारे बता रहे हैं, मैं थाली धुलने के भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पर ये सभी थाली धुल रहे थे। 3 टीचरों से भी हम मिले, यहाँ की जो प्रभारी हैं, प्रभारी अब खुद का पेपर देने गई हैं, अब कौन सा पेपर देने गई हैं पता नहीं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई है ही नहीं। 3 टीचर हैं जो खुद बच्चे कभी कहते हैं कि हम इनको जानते ही नहीं हैं कि ये कब आते हैं, कब पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। मतलब एक बच्चे की बात होती तो हम कहते कि झूठ बोल रहा, कोई दुश्मनी होगी टीचर से, लेकिन सभी बच्चे हैं। कहाँ के हैं आप? हम तो इधर ही कहें। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? नहीं सर, हम पढ़ते नहीं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो इधर ही आए थे। तो इधर किस लिए? हो गया, आए थे, जा रहे हैं। नहीं, ये यहाँ का गेट खुला रहता, जब मन करेगा आएंगे, जब मन पड़ेगा जाएंगे। यहाँ आप छुट्टी थी इसके लिए खुला था सर जी। नहीं, वही पूछ रहे हैं आपसे, किस लिए आए आप यहाँ पे? अरे मैं तो पानी पीने आया, तो मैं सोचा यहाँ पे क्या हो ऐसा खुला रहता है। नहीं नहीं, खुला नहीं रहता है, बंद रहता है, इसके लिए पानी पीने आया मैंने, आधी छुट्टी हुई थी तो ये देखे, मैं सोचा क्या हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार यादव सर। आपके कोई बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने वाले? है, मगर आज नहीं आया है, नहीं आया है सर जी। अच्छा जी, बच्चे यहाँ पे हैं आपके घर के पढ़ने वाले? नहीं, हमारे आसपास के, मतलब भाई हो गए का, हमारा नहीं है सर जी। अच्छा जी, लगातार बने रहे आप। और अब हम फिर से चलेंगे ऑफिस की कार्यालय की तरफ और देखेंगे कि कौन से इस कार्यालय में, और मुझे वो पेपर दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें सूचित किया, क्योंकि आवश्यकता सिर्फ सूचना की है कि सूचित किया गया या नहीं। मिला क्या सर? सीएल है संकुल में सर। संकुल में है सर। अब संकुल में हम जाएं तभी दिखेगा, नहीं तो यहाँ दिखेगा नहीं सर। अब क्या बताएं? प्रभारी वो यहाँ की है या अन्य जगह की सर? यहाँ की सर। देना चाहिए या नहीं? जी सर है सर, लेकिन शायद हाँ हो गया, चाबी शायद रूम में छूट गई सर। किसके रूम में सर? सर मेरे ही रूम, मैम जी के रूम में होगी। गजब हो गया, गौर करने वाली बात है। ये टीचर है हमारे, और आप कह रहे हैं कि चाबी कमरे में छूट गया। गौर करिएगा, एक मिनट, चाबी इनका जो है कमरे में छूट गई, आवेदन यहाँ रखी गई और है इसके अंदर है। गौर करिएगा, क्या जवाब क्या आ रहा है? आवेदन देने के बाद, यानी कि कमरे में जब वो निकली वहाँ से, तब वो कमरे में थी, चाबी वहीं छूट गई, और इसके बाद जो सूचना लेटर है कि मैं विद्यालय में नहीं आ रही, मैं कहीं जा रही हूँ, वो जो है आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन है कहाँ पर? इसके अंदर, और इसकी चाबी जो है कमरे में है। क्यों सर, यही बताया आपने? सर सीएल पे? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा कि कमरे में छूट गई, क्या ये तमाशा मचा के रखा है सर? जोक मार रहे हैं आप? नहीं नहीं, जोक नहीं सर, उनका सीएल है सर। क्यों सर, जोक चल रहा है यहाँ पे सर? कोई आप मजाक वाली बात यहाँ पे चल रही है सर? कह रहे हैं कि जो चाबी है वो कमरे में छूट गई और रखा इसके अंदर है, और मैडम यहाँ पर आई और आवेदन दे के चली गई। ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको कन्फर्म पता है, वो बमुरी परीक्षा देने गई है, ये इतना आपको पता है। कोई सूचना लेटर है यहाँ पे? अब यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या बताएं? तो वो कह देंगे कि आज हम दिल्ली में है तो आप मान लेंगे। कोई आवेदन है यहाँ पे? अब यहाँ तो सामने कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन हमसे कल जैसे हम स्कूल आए थे तो बोली थी कि मैं कल परीक्षा देने जाऊँगी।
सर का कहना है कि चाबी रूम में छूट गई। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। क्या आपके टीचर हैं, झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वही जाने। क्यों सर, क्या बात, कोई मजाक चल रहा है सर? सर मजाक नहीं, सर उनका सीएल है सर, और संकुल में एप्लीकेशन अलमारी के अंदर है सर। नहीं, एप्लीकेशन संकुल में है। अभी आपने कहा अलमारी के अंदर भी है सर, एक प्रत होगा लेकिन संकुल में भी। तो इसकी चाबी कहाँ है सर? चाबी सर मेरे पास नहीं है। पक्का? तो इसके अंदर सर कैसे हो गया सर? चाबी तो उनके कमरे में छूट गई थी, वहाँ जब आई तो यहाँ इसके अंदर कैसे चला गया सर? कोई जादूगर है क्या सर? सर आज नहीं आई थी सर। हाँ तो सर कब? कल एप्लीकेशन लिखी। अजीब बात है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बड़ा तमाशा मचा हुआ। ये सरकारी विद्यालय, ये बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम बात करेंगे आज एसडीएम महोदय से कि क्या आपके विद्यालय में चल रहा, इस क्षेत्र की जो तहसीलदार हैं आंचल अग्रहरी क्या तमाशा मचा के रखी हुई हैं, प्रभारी गायब हैं, विद्यालय में इतना सब कुछ आता है। समूह की बात करें, आप देख रहे हैं समूह में ये लिखा हुआ है, गौर करिएगा, जो पीएस में है वो है लक्ष्मी महिला सहायता समूह। इसके बाद जो दूसरे हैं, ठीक है ना, तो देखिएगा गौर करिएगा, मृगनयनी महिला स्व सहायता समूह। ये जो पीएस का मतलब है प्राथमिक, और एम का मतलब है मिडिल। प्राथमिक जो स्कूल है यानी प्राथमिक विद्यालय जो है महिला लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह वो है, और दूसरा जो है मिडिल वो मृगनयनी महिला स्व सहायता समूह। ये समूह है, यहाँ पर सरकार के द्वारा पैसे दिया जाता है इनको कि आप बच्चों को अच्छा भोजन करवाइए। लेकिन यहाँ पर बात जब की जाती है तब सीधे इनका जवाब क्या आता है कि गर्मी का सीजन है तो हम इनको आलू और मटर खिलाते हैं, जब ठंडी का सीजन आएगा तब इनको हम ठंडी वाला चीज़ें देंगे। आलू जो है वो इनके अनुसार जो है वो ठंडा होता है, इसलिए उनको अभी दिया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं कूल रहें, ठंड रहें, और जब ठंडी आ जाएगी तब कुछ और दिया जाएगा। लगातार बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ पर, चलेंगे और भी विद्यालय में, देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ तो आप लोगों से हम काफ़ी असंतुष्ट रहें, और आपके विद्यालय में आप कितना संतुष्ट हैं आप थोड़ी बताएं, अपनी ओपिनियन रखें कि आप कितना संतुष्ट हैं यहाँ से, बच्चों से संतुष्ट हैं, विद्यालय से संतुष्ट हैं, या अपने आप से संतुष्ट हैं, किस बात से संतुष्ट हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं सर? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे सर, अब हम क्या बताएं? आप बताइए कितना संतुष्ट हैं सर, कितना संतुष्ट हमें और कितना संतुष्ट जनता होनी चाहिए सर आपसे? सर संतुष्ट नहीं है क्योंकि हम टीचरों की आवश्यकता है सर। आवश्यकता है, अभी जो है वो नहीं पढ़ा सकते फिलहाल मतलब, और आवश्यकता है सर और टीचरों की? कितने टीचरों की आवश्यकता है सर? कम से कम अभी चार और होने चाहिए। चार और होने चाहिए जी सर, ये आपकी डिमांड है कि चार हो तो पढ़ाई हो सकती है सर, अच्छे से पढ़ाई हो। जायज मांग है कि यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए चार टीचरों की आवश्यकता है। लेकिन अब हम चलेंगे यहाँ पर, देखेंगे कि वो जो महिलाएं थी समूह वाली खाना बनाने वाली वो कहाँ चली गई, बाकी तो हम बच्चों से मिलेंगे ही, सभी यहाँ से फरार हो चुकी हैं, वो हैं ही नहीं, कहीं पर देखने को नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन अब चलेंगे हम और विद्यालय में और देखेंगे कि आखिर में क्या चल रहा है। लगातार बने रहिएगा, धन्यवाद।